हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है हम प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं। प्लांट हार्मोन की एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। ये बेटा सेकंड क्लास होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको मैंने जो कल पढ़ाया है उसका 5 मिनट में रिविजन करवाने वाला हूँ, उसके बाद में बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो भैया हेडिंग लगा लीजिए, प्लांट हार्मोन अर्थात पादप हार्मोन। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि जो प्लांट हार्मोन होते हैं ये भैया पेड़ पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, यानी कि पादपों की वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। तो बेटा मैं पहला ही पॉइंट लिख देता हूं कि यह पादपों की वृद्धि वह विकास में सहायक होते हैं, ये सहायक होते हैं। इतनी बात क्लियर है। दूसरा, मैंने आपको ये पॉइंट बताया था प्लांट हार्मोन से संबंधित कि ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं कि यह कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। बेटा मैं कल का रिवीजन करवा रहा हूं, ये कार्बनिक यौगिकों के रूप में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बनिक यौगिकों का मतलब यह है कि भैया इन यौगिकों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। इतनी बात क्लियर, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि जो पादप हार्मोन है, ये पादप हार्मोन बेटा टोटल 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का, जिसे बेटा 2 भागों में बांटा गया था। एक तो था प्राइमरी हार्मोन, याद करो बेटा, एक मैंने आपको बताया था प्राइमरी हार्मोन, प्राथमिक हार्मोन। ये जो प्राथमिक हार्मोन होते थे बेटा, ये सभी प्रकार के पादपों में उपस्थित होते थे, और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी भैया 5। दूसरे थे सेकेंडरी हार्मोन। दूसरे कौन से थे भैया? सेकेंडरी हार्मोन, इसे हिंदी में कहा गया था द्वितीयक हार्मोन। और ये जो द्वितीयक हार्मोन थे बेटा, ये भैया कुछ ही ऐसे पादप थे जिनमें उपस्थित होते थे। कहने का मतलब ये सभी प्रकार के पादपों में उपस्थित नहीं होते थे, और इनकी संख्या थी भैया कितने? 2। कितनी थी भैया? 2 थी, ओके। तो ये 5 कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें था भैया ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा था इसमें साइटोकाइनिन, दूसरा कौन सा था? साइटोकाइनिन हार्मोन, तीसरा कौन सा था? तीसरा था जिब्रेलिन हार्मोन, और चौथा कौन सा था भैया? चौथा था इथाइलिन हार्मोन, और पांचवा कौन सा था? तो एब्सिसिक एसिड था भैया, एब्सिसिक एसिड हार्मोन था। ये 5 हार्मोन तो प्राथमिक हार्मोन थे, और सेकेंडरी हार्मोन में 2 हार्मोन कौन कौन से थे? एक तो था फ्लोरिजिनस, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था भैया ट्रांसम्यूरिन। ये भैया आपके 7 हार्मोन थे, जिनमें कल बेटा हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा। जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो बेटा मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। इन 3-4 क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, एक ही बार में बेटा एक ही कमेंट में दे सकते हो इन 3-4 क्वेश्चनों का आंसर। पहला क्वेश्चन ये है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, इस ऑक्सिन हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? दूसरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की? तीसरा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन हार्मोन का नाम बताओ। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? ये 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, इनके आंसर अगर आपको आते हैं, अगर आपने कल की वीडियो देखी है तो बेटा नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कमेंट बॉक्स में भैया इन क्वेश्चनों के आंसर दे दीजिए।
तो कल हमने ऑक्सिन हार्मोन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं ऑक्सिन हार्मोन से, वो सारे के सारे ही बेटा मैंने आपको थ्योरी के रूप में करवाए हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये सारी कहानी समझ में आ गई। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा साइटोकाइनिन से। किससे स्टार्ट करते हैं? साइटोकाइनिन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं मिटा देता हूं। बेटा इन हार्मोनों का नाम आपको याद होना जरूरी है, ये साथ के साथ हार्मोनों का। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, अब मैं मिटा देता हूं। अब करते हैं बेटा आज की क्लास स्टार्ट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जो हमारे प्राथमिक हार्मोन थे, इन प्राथमिक हार्मोनों में दूसरा हार्मोन साइटोकाइनिन और तीसरा हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं भैया? दूसरा पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा भैया? साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे हार्मोन की जो कि प्राइमरी हार्मोन में आता है। दूसरा कौन सा है भैया? दूसरा है साइटोकाइनिन हार्मोन। कौन सा है भैया? साइटोकाइनिन हार्मोन। देखिए अब बेटा, सबसे पहले यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसकी खोज से। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसकी जो खोज है वो की थी भैया मिलर ने। किसने? मिलर ने। जिनकी खोज का श्रेय किसे जाता है बेटा? मिलन को जाता है, मिलन जी को जाता है। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की थी। तो भैया मिलर ने की थी। अब बात आती है इसका प्रथम आइसोलेशन, यानी कि फर्स्ट आइसोलेशन, प्रथम प्रथिकरण। बेटा इसका जो प्रथम प्रतिकरण, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि आइसोलेशन क्या होता है, प्रतिकरण यानी कि इसे किस चीज से अलग किया गया है। तो बेटा एक प्लांट था हेरिंग, हेरिंग स्पेयर प्लांट, इस प्लांट से बेटा इसे अलग किया गया था। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन बेटा इसे जो इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है इस ऑक्सिन हार्मोन को, और जब हिंदी में लिखा जाता है तो इसे ऑक्सिन बोला जाता है, इसे ऐसे लिखा जाता है। तो ऑक्सिन और ऑक्सिन एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो देखिए जो ऑक्सिन हार्मोन होता है बेटा, इस ऑक्सिन हार्मोन का प्रथम आइसोलेशन कहाँ से किया गया था? ह्यूमन यूरिन से, मानव मूत्र से बेटा इसे अलग किया गया था। मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो वैसे ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसका प्रथम प्रतिकरण यानी कि फर्स्ट आइसोलेशन कहाँ से किया गया था? तो बेटा हेरिंग स्पेयर एक प्लांट है, इससे किया गया था। इतनी बात क्लियर है? खोज क्लियर हो गई, प्रथम आइसोलेशन क्लियर हो गया इसका। अब बात करते हैं कि भैया इसका कार्य क्या है। लेकिन बेटा कार्य देखने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना वाला हूं। देखिए यहां पर आपको साइटोकाइनिन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बेटा? साइटोकाइनिन। ध्यान से सुनो, ये जो साइटोकाइनिन है दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक साइटो और एक काइनिन। साइटो का मतलब होता है बेटा सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है बेटा? कोशिका कहा जाता है। काइनिन का मतलब होता है बेटा डिवीजन, और डिवीजन को कहा जाता है हिंदी में विभाजन। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है एक शब्द, वो है सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये कोशिका विभाजन क्या है। भाई हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि भैया ये कोशिका विभाजन क्या है? तो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूं। मान लीजिए ये कोई कोशिका, अब ये कोशिका अपने आप को विभाजित करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। और बेटा जिस प्रोसेस के थ्रू ये एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण हुआ है उस प्रोसेस को ही कहा जाता है सेल डिवीजन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? सेल डिवीजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो बेटा हमें यह समझ में आया कि साइटोकाइनिन हार्मोन का संबंध कहीं ना कहीं कोशिका विभाजन से है। तो बिल्कुल है भैया, बिल्कुल है। इतनी बात क्लियर हो गई, इसको मिटा दूं। ओके, अब होता क्या है, ये जो साइटोकाइनिन, ये जो हार्मोन होता है बेटा, ये ऑक्सिन हार्मोन के साथ में मिलकर के
कोशिका विभाजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। देखिए तो मैं इसका फंक्शन लिख लेता हूं, इसके फंक्शंस क्या हो गए, यानी कि इसके कार्य क्या हो गए। इसका पहला कार्य है बेटा कि यह ऑक्सिन, इंग्लिश में आप ऑक्सिन कहते हो, यह ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर, हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन में मदद करता है, मदद करता है। या फिर बेटा आप ऐसे लिख सकते हो कि अर्थात लगाकर मैं लिख देता हूं कि भैया ये कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है, ये भैया कोशिका विभाजन की शुरुआत करवाता है या शुरुआत करता है। बोलो इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने आपको बताया था, कल भी पढ़ाया था जब ऑक्सिन हार्मोन पढ़ाया था, कि ये जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, पढ़ाया था ना। लेकिन बेटा यहाँ पर ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर के बेटा कोशिका विभाजन में मदद करते हैं या कोशिका विभाजन की शुरुआत करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी को कोई परेशानी आ तक, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका दूसरा कार्य क्या है बेटा, वो ध्यान से सुनिए, यहाँ लिख देता हूँ इसका दूसरा कार्य में। दूसरा कार्य क्या है कि ये उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन है, जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन की प्रक्रिया को रोकता है। ये हार्मोन होता है, ये म्यूटेशन की प्रक्रिया को रोकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया ये म्यूटेशन क्या है, ये उत्परिवर्तन क्या है। देखिए पादप की कोशिका में अगर अचानक कोई परिवर्तन आ गया तो वो म्यूटेशन है, वो उत्परिवर्तन है। नोट लगाकर मैं यह लिख देता हूं कि पादप की कोशिका में, पादप की कोशिका में अचानक आए परिवर्तन को, पादप की कोशिका में अचानक आए परिवर्तन को क्या कहा जाता है बेटा, म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब ये किस प्रकार से परिवर्तन होता है पादप की कोशिका में, तो मान लीजिए भैया गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन आ सकता है। भाई मान लीजिए कोई कोशिका है, उसकी गुणसूत्रों की संख्या है, उसमें भी परिवर्तन आ सकता है। गुणसूत्र है उसके आकार में वृद्धि हो सकती है, उसके आकार में घटाव आ सकता है। तो बेटा ये जो परिवर्तन है, ये गुणसूत्र में जो गुणसूत्रों की संख्या में जो वृद्धि हुई है या गुणसूत्रों के आकार में जो बदलाव हुआ है, घट सकता है, बढ़ सकता है। तो आपके कोशिका में ये जो अचानक ये जो परिवर्तन आया है, इस बेटा इस परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। और जब जब भी उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है या म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है तो भैया कोई ना कोई बीमारी जरूर उत्पन्न होती है। तो ये जो हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये उत्परिवर्तन म्यूटेशन की प्रक्रिया को रोकता है। बोलो बेटा इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया ओके। देखिए बेटा हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की, इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की है मिलर ने। और इसका फर्स्ट आइसोलेशन, प्रथम प्रतिकरण किसमें किया गया था बेटा, हेरिंग स्पेयर एक प्लांट है उसमें। फिर बेटा मैंने आपको साइटोकाइनिन का अर्थ मतलब समझाया था, साइटो का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन यानी कि कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका विभाजन निकलकर यहाँ से ये शब्द है। अब कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोई कोशिका होती है वे अपने आप को विभाजित करती है, एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिस प्रक्रिया के थ्रू करती है उस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा कोशिका विभाजन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका विभाजन। क्या आ गया, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है भैया, कोशिका विभाजन कहा जाता है। तो
नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस हार्मोन का संबंध किससे है, कोशिकाओं से है बेटा। तो इसका पहला कार्य है कि ये ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर के बेटा कोशिका विभाजन में मदद करता है या कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है। इसका दूसरा कार्य हो गया उत्परिवर्तन, म्यूटेशन की प्रक्रिया को रोकता है। म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन क्या है, तो पादपों की कोशिका में आया अचानक परिवर्तन, जो अचानक परिवर्तन आया है पादप की कोशिका में वही म्यूटेशन है। अब ये किस तरीके से अचानक परिवर्तन आता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में जैसे कि वृद्धि हो गई, गुणसूत्रों की संख्या में कोई घटना, गुणसूत्र की संख्या घट गई या फिर उसका आकार में बढ़ोतरी हो गई या उसके आकार में कमी हो गई, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है बेटा जो पादप की कोशिका में अगर इस प्रकार का कोई परिवर्तन आता है, अचानक परिवर्तन आ जाता है, तो बेटा उसे कहा जाता है उत्परिवर्तन। तो ये उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है, यानी कि ऐसा होने से रोकता है। कौन सा हार्मोन, ये साइटोकाइनिन हार्मोन। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इस चैप्टर से संबंधित, तो वहां पर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उत्परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकता है या म्यूटेशन की प्रक्रिया को रोकता है, तो बेटा उसका आंसर आपको देना है साइटोकाइनिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। मैं आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की शुरुआत करता है, तो बेटा वो हार्मोन है साइटोकाइनिन। मैं आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसने की। मैं आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि जो साइटोकाइनिन हार्मोन है, क्या यह सभी प्रकार के पादपों में पाया जाता है या फिर बेटा कुछ ऐसे पादप है जिनमें ही पाया जाता है। तो याद रखना बेटा, ये सभी प्रकार के पादपों में पाए जाने वाला हार्मोन है, क्योंकि ये एक प्राथमिक हार्मोन है। नाम से स्पष्ट हो रहा है प्राथमिक हार्मोन, यानी कि इस हार्मोन को प्राथमिकता दी गई है। इतनी बात क्लियर है। ओके, तो आशा करता हूं बेटा आज तक, अब तक इस चैप्टर में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, अब बेटा अगले हार्मोन पर जाने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। इतनी बात क्लियर है। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर बेटा आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। बेटा अगर वीडियो समझ में आ रही है ना, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो को लाइक कर दिया, ओके। अब आपके छोटे भाई के लिए छोटा सा कमेंट कर दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोलो कर दिया कमेंट, ओके। अब भैया अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ में वो बेल आइकन का प्रेस है, बेल आइकन का जो चिन्ह आ रहा है वहाँ पर घंटे का एक चिन्ह आ रहा है, उसको दबा लेना, यानी कि बेल आइकन को प्रेस कर लेना, दबा लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हर रोज बायोलॉजी से संबंधित जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, वो बेटा आप देख सकते हैं। बेटा बायोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके मिटा दो। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं किसके बारे में। अब बेटा हम बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में, क्योंकि जिब्रेलिन हार्मोन से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। अब कमेंट बॉक्स में भैया ये भी बता दो कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता। देखो मैं हर रोज आपको बेस्ट देने की कोशिश करता हूं, मेरा एक्सपीरियंस नया है, मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ नया दूं। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ ही रही होगी क्लास। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चले आगे। अब पढ़ने वाले हैं बेटा हम जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। देखिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, और यह प्राइमरी हार्मोनों में से तीसरा हार्मोन है। क्या नाम है? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन। इतनी बात क्लियर है। ओके, हिंदी में भी लिखूं क्या? जिब्रेलिन हार्मोन, ठीक है। ओके, अब बेटा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, एक बात को ध्यान रखना, मैं जितने भी हार्मोन लिखा हूँ आपको, उन सभी के वैज्ञानिक नाम, यानी कि उनकी खोज किसने की है,
वो सभी लिखाने वाला हूँ। और इनकी खोज से संबंधित बेटा आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इनके भैया जितने भी कार्य हैं कार्य याद कर लेना, और इनकी खोज किसने की ये चीज़ तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ये दो चीज़ें तो कार्य और इनकी खोज। तो बेटा जिब्रेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी भैया? कुनु सोवा, एक वैज्ञानिक नाम है, ये जैपनीज एक वैज्ञानिक है बेटा कुनु सोवा। इसने भैया इस जिब्रेलिन हार्मोन की खोज की थी। किसने? कुनु सोवा ने। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि GA1 GA2 और GA3 GA4 GA5 ऐसे बेटा ये बहुत सारे हार्मोनों का एक समूह है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 हार्मोन का एक समूह है। 100 हार्मोन का एक समूह है, ये क्या है बेटा? लगभग 100 हार्मोन का एक समूह है। कौन? ये जिब्रेलिन हार्मोन। और बेटा इनमें से जो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं GA3। कौन सा हार्मोन पढ़ते हैं भैया? ये GA3 हार्मोन पढ़ते हैं, क्योंकि भैया हमारे सिलेबस में यही है और मुख्य रूप से बेटा इसे ही पढ़ा जाता है, इस जिब्रेलिन हार्मोन में। इतनी बात क्लियर है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये जिब्रेलिन हार्मोन करता क्या है, भाई इसका कार्य क्या है इस जिब्रेलिन हार्मोन का? तो बेटा सिंपल सी बात है, देखिए ये क्या करता है, ये बीजों को, इसका पहला कार्य हो गया कि ये बीजों को अंकुरित करने का कार्य करता है। अब अंकुरित क्या होता है ये तो आप जानते हो, क्या होता है अंकुरित जानते हो आप? अरे भैया फसल बोते हैं तो बीज नहीं बोते क्या? थोड़े दिन में आप देखते हो बेटा वो जमीन से कले के रूप में बाहर निकलता है वो बीज, उसमें छोटी छोटी सी बड़ निकली हुई रहती है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। तो बीजों से उस कले का बाहर निकलना वही बेटा अंकुरण की अवस्था है, वही अंकुरित है बेटा। बीज अंकुरित हो जाता है ना जब जमीन में गाड़ देते हैं, तो थोड़े दिन में आप देखते हो कि गेहूं है जो वो धीरे धीरे उगने स्टार्ट हो जाता है, सरसों है धीरे धीरे उगने स्टार्ट हो जाती है, खांसी उगती है वो बीज अंकुरित होकर ही तो वो कली बाहर निकली है, वही होती है बेटा अंकुरण अवस्था। तो ये बीजों को अंकुरित करने का कार्य करता है कौन सा हार्मोन बेटा? जिब्रेलिन हार्मोन। यानी कि उन बीजों में बेटा ये हार्मोन होता है और ये हार्मोन उन बीजों को अंकुरित करने में हेल्प करता है। आई बात आपको समझ में? इतनी बात क्लियर है। देखिए आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, हमारे घर में जो पापा होता है वो आलू अधिक मात्रा में ले आते हैं तो समय पर काम नहीं आते, तो वो क्या होता है जो टोकरी होती है ना उस टोकरी में पड़े पड़े रहते हैं बेटा, वो अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेटा वो किस हार्मोन के कारण होता है? वो जिब्रेलिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। इतनी बात क्लियर? ओके भैया। इसका दूसरा कार्य क्या है? तो जो फूल होते हैं ये फूल बनाने में सहायक होता है, फूल बनाने में सहायक होता है। अब बेटा इस अंकुरित अवस्था से और इस फूल से अलग अलग हार्मोन अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फूल बनाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। लेकिन फूल को खिलाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? फूल खिलता है ना भाई, मुरझा जाता है फिर फूल खिलता है, तो फूलों को खिलाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो फ्लोरोजिनस करता है। लेकिन फूल बनाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो बेटा जिब्रेलिन हार्मोन करता है। बीजों को अंकुरित करने का कार्य कौन करता है? तो बेटा जिब्रेलिन हार्मोन करता है। लेकिन बीजों को अंकुरित होने से बचाने का कार्य कौन करता है? तो एब्सिसिक एसिड नाम का एक हार्मोन होता है बेटा, उसे मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, तो वो हार्मोन करता है। इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है, वो बीजों को अंकुरित होने से क्यों बचाता है? तो आपने देखा होगा हमारे घरों में जो गेहूं होते हैं वो 10-10, 20-20 कट्टे, 50-50 कट्टे पड़े रहते हैं, तो बेटा आप देखते हो क्या वो अंकुरित होते हैं क्या? नहीं। तो बेटा उन बीजों को अंकुरित होने से बचाने का कार्य कौन करता है? भैया एब्सिसिक एसिड करता है। लेकिन जब हम जमीन में लगा देते हैं तो बेटा बीजों को अंकुरित करने का कार्य कौन करता है? तो ये जिब्रेलिन हार्मोन करता है।
इतनी बात क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा यहाँ तक। ओके, इससे तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है कि जो काष्ठीय पादप होते हैं, जो काष्ठीय पादप होते हैं, जो काष्ठीय पादप होते हैं, इनके तने की वृद्धि करवाने का कार्य करता है, वृद्धि करवाने का कार्य करता है। अब हमारे दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आता है कि भैया ये काष्ठीय पादप क्या है। भाई हमारे दिमाग में तो फिर वही क्वेश्चन आता है कि ये काष्ठीय पादप क्या है। तो बेटा काष्ठीय पादप ऐसे पादप होते हैं जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं काष्ठीय, काष्ठीय पादप ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है। ऐसे पादप बेटा जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है वो होते हैं काष्ठीय पादप। और काष्ठीय पादपों का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक पौधा है और इसका जो स्टेम है और इस स्टेम के ग्रोथ करवाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है बेटा, तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। कौन सा हार्मोन करता है भैया, जिब्रेलिन हार्मोन करता है। बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन, ये पादपों को यानी कि इसका चौथा कार्य पादपों को ऊंचाई देने का कार्य करता है। ये पादपों को ऊंचाई देने का कार्य करता है, ये पादपों को ऊंचाई देने का कार्य करता है। कौन सा, ये जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा बेटा, जिब्रेलिन हार्मोन। क्या आपने देखा है कि पौधा है अभी उगा है तो वो उतना सा कि थोड़ी ना रहता है, थोड़ा बड़ा भी तो होता है। तो बेटा उन पादपों को, उन पेड़ पौधों को जो आपके घर के आसपास आप देखते होंगे, जैसे कि बहुत सारे पादप है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ होती है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाई रहती है, तो उन पादपों को ऊंचाई देने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो बेटा ये जिब्रेलिन हार्मोन करता है। तो याद रखना बेटा, बीजों को अंकुरित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, जिब्रेलिन हार्मोन करता है। फूल बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन सहायक होता है। जो काष्ठीय पादप होते हैं, ऐसे पादप जिनसे लकड़ी प्राप्त होती है, उन पादपों का जो तना होता है, उन तनों के ग्रोथ करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। और बात करें बेटा कि जो पादपों को ऊंचाई देने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन करता है। जिब्रेलिन हार्मोन लगभग बेटा 100 हार्मोनों का एक समूह है। इसकी खोज बेटा किसने की थी, कुनुसोवा नामक एक वैज्ञानिक था बेटा, उसने की थी। तो आज हम बेटा ये दो हार्मोन ही पढ़ने वाले हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं बेटा एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में और बेटा इथाइलिन हार्मोन के बारे में। इथाइलिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है बेटा जो हमेशा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि भैया ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है प्लांट हार्मोन में से, और आज मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो मुझे ज़रूर बताइए, ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो भैया अम्लीय रूप में पाया जाता है, जो भैया अम्लीय रूप में पाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आज यहीं तक रखते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।